Hello everyone, welcome to my channel Currentpedia. Currentpedia में आप सबका स्वागत है. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस लगातार मिलती रहें और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें. एंड आई एम रजत पांडे, वर्किंग इंडियन रेलवेज एंड ब्रिंगिंग यू दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक है सीड बिल 2019, द ड्राफ्ट ऑफ द सीड बिल 2019. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीड इंडस्ट्री अंडररेटेड इंडस्ट्री है इंडिया में और इसके बारे में फार्मर्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो अर्बन क्लास है या वर्किंग क्लास है जो इससे रिलेटेड नहीं है उसको सीड इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है. इस बिल को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लेकर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इसको पब्लिक डोमेन में लाया गया है सजेशंस और कमेंट्स के लिए, जिसे पब्लिक इस पे अपने सजेशंस दे सके. तो इसको पब्लिक डोमेन में ले आया गया है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है. और इससे पहले भी ये 2004, 2010 और 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अलग अलग रीजंस के वजह से ये पास नहीं हो पाया है. और इंडियन सीड इंडस्ट्री जो है वो इंडियन सीड एक्ट 1966 से रेगुलेट की जाती है इंडियन सीड इंडस्ट्री. और इंडियन सीड इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है. जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो इस इंडस्ट्री का वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही तेज़ी से ये डेवलप कर रही है इंडस्ट्री. अराउंड $4 बिलियन की इंडस्ट्री है और लगभग 15.7% की स्पीड से के रेट से ये एनुअल रेट से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ये डेवलप कर रही है इंडस्ट्री. और माना जा रहा है कि 2024 तक ये 9 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी. तो एक ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है. और इस सीड इंडस्ट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडियन सीड्स प्रोग्राम है उसमें 3 स्टेज हैं सीड प्रोडक्शन के, और 3 तरह के सीड के का प्रोडक्शन होता है इंडिया में. ब्रीडर सीड्स जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR डेवलप करता है, फाउंडेशन सीड्स जिसे नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन या स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन या प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं फाउंडेशन सीड्स को, और तीसरा है सर्टिफाइड सीड्स जिसे स्टेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है. तो ये 3 तरह के सीड्स होते हैं. जो इस बिल का जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि ये इंडियन सीड्स एक्ट जो 1966 है उसको रिप्लेस करेगा, जो कि क्वालिटी ऑफ सीड्स को जो सेल के लिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो रेगुलेट करता है ये सीड्स एक्ट इसको रिप्लेस कर देगा. और ये और भी जो दूसरे लेजिस्लेशंस हैं जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 इसको भी पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा ये एक लेजिस्लेशन. तो एक सिंगल लेजिस्लेशन से हम लोग इन तीनों एक्ट्स को रिप्लेस करके एक नया एक्ट लेके आ रहे हैं, एक नया ये ड्राफ्ट है. और इसमें अगला प्रोविजन ये है कि ऑल द सीड्स बींग सोल्ड हैव टू बी रजिस्टर्ड विद मेंटेनिंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड, द फार्मर कैन ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ सब स्टैंडर्ड सीड्स. इसमें यह है कि जो भी सीड्स हैं जो भी डेवलप किए जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा, उनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर वो क्वालिटी नहीं है तो फार्मर्स एक कंपनसेशन के लिए क्लेम भी कर सकते हैं अगर सब स्टैंडर्ड सीड्स हैं. जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं उनको भी रजिस्टर किया सकता है, लेकिन ओनली आफ्टर द क्लियरेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. वो जब तक इस एक्ट के अंडर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इसको क्लियरेंस नहीं देता है तब तक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया सकता है. और इसमें एक खास बात यह है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन का क्लॉज जो था अभी तक उसे हटा दिया गया है. अब हर एक सीड्स को मैंडेटरी है कि वो एक प्रॉपर लैब से सर्टिफिकेट एक ले. अभी तक की सीड इंडस्ट्री में जो सीड्स थे उनका सेल्फ सर्टिफिकेशन भी मान्य था, अभी ऐसा नहीं रहेगा. अगला है कि द प्राइसेस ऑफ सीड्स आर लायबल टू रेगुलेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन. कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है जैसे किसी एरिया में अगर या एक लार्ज पार्ट में कोई
पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया है या कोई डिज़ास्टर है, कैलमिटी है, तो इस केस में सीड्स का जो प्राइस है उसको रेगुलेट किया सकता है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है। फार्मर्स जो हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है, उनको छूट दी गई है और उनको ये अलाउ किया गया है कि वो अपने फार्म सीड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो इनके लिए ये जो रजिस्ट्रेशन की जो का जो मेंशन है उसको हटा दिया गया है, तो उनके लिए अब ज़रूरी नहीं है, उनको छूट दी गई है कि फार्मर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है, एक ख़ास बात यह है कि वो किसी भी ब्रांड नेम में अपने सीड को सेल नहीं करेंगे। कोई फार्मर है अपना सीड डेवलप कर सकता है, उसको रजिस्टर करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कोई ब्रांड नेम में उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकता है। अब एक लास्ट इसमें पॉइंट ये है कि इसमें पेनल्टीज़ भी हैं मिसब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड सीड्स के लिए। अगर कोई सीड है जो कि गलत उसकी ब्रांडिंग हो रही है या सब स्टैंडर्ड सीड्स हैं, तो उसके लिए पेनल्टी भी इसमें उसका भी प्रावधान है। जो ड्रॉबैक हैं इस बिल के, वो ख़ास बात यह है कि कंपनसेशन क्लॉज जो है वो अब कंपनसेशन एक कमिटी डिसाइड नहीं करेगी। पहले क्या था कि कंपनसेशन अगर फार्मर कोई क्लेम करता था तो एक कमिटी थी जो कंपनसेशन डिसाइड करती थी, अब वो कमिटी हटा दी गई है। अब क्या है कि कंपनसेशन फार्मर क्लेम करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, जो कि अभी उसको भी रिप्लेस किया जा रहा है, उसमें उसके लिए भी एक नया बिल, एक नया कानून लाया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंतर्गत ही फार्मर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, अब डायरेक्टली कमिटी से कंपनसेशन नहीं मांग सकता है। जो पेनल्टीज़ हैं वो बहुत ही लो हैं, 25,000 से लेकर 5,00,000 तक, और इम्प्रिजनमेंट है, जेल है 1 साल की, जो कि बहुत ही लो है, क्योंकि फार्मर्स के लिए अगर कोई सीड, कोई कंपनी सीड सब स्टैंडर्ड सीड देती है तो अगर फार्मर उसका कंपनसेशन मांग रहा है तो उस वो कंपनसेशन जो है जिस बिल में है वो बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। और ये इम्प्रिजनमेंट जो है 1 ईयर का, वो किसी भी तरह से कोई भी डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है। एक अगला पॉइंट ये है कि जो कैपिंग की गई है प्राइसेस की इमरजेंसी सिचुएशन में, वो डिस्करेज करेगा फार्मर्स को, वो फर्म्स को इन्वेस्ट करने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हमने देखा है कि जो सीड इंडस्ट्री है उसमें सीड का डेवलपमेंट जो है वो सालों की रिसर्च के बाद, और ये बहुत सारे ऑन फील्ड ट्रायल्स किए जाते हैं, उसके बाद कोई सीड को डेवलप किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जैसे कि बहुत बड़ी सीड कंपनी है मोनसेंटो, जिसके सीड्स यूज़ किए जाते हैं हाइब्रिड सीड्स कॉटन इंडस्ट्री में। तो वो कंपनी, अब उनके पास इंसेंटिव नहीं है कि वो क्यों सीड को डेवलप करेंगे, रिसर्च में क्यों इतना लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वो खर्च करते हैं, वो क्यों खर्च करेंगे अगर उनके सीड्स का उन्हें सही दाम ही नहीं मिलेगा, प्राइस कैप कर दी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे केस में उनको अगर उनकी रॉयल्टी नहीं मिलेगी तो ऐसे केस में वो फिर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाएंगी। एक जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई क्रॉप फेलियर होता है तो ये कौन साबित करेगा और ये कैसे साबित होगा कि क्रॉप फेलियर सब स्टैंडर्ड सीड की वजह से ही हुआ है। तो ऐसे केस में फार्मर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, गरीब फार्मर के लिए, कि वो ये साबित कर पाए कि उसका क्रॉप फेलियर जो हुआ है वो सब स्टैंडर्ड सीड की वजह से हुआ है। तो ये मेन ड्रॉबैक्स हैं इस बिल के। अब सीड इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें जो हैं इंडिया की वो देख लेते हैं। इसकी वैल्यू जो है $4.1 बिलियन है, और जिससे रेगुलेट किए जाते हैं, जिस लेजिस्लेशन से क्वालिटी जो है रेगुलेट की जाती है, सीड्स एक्ट 1966 से। लाइसेंसिंग ऑफ द सेल इज़ रेगुलेटेड बाय सीड्स कंट्रोल ऑर्डर 1983, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो प्लांट ब्रीडर्स का है उसे रेगुलेट किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 से। एक ख़ास बात यह है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में सीड्स मेंशन है, यानी सीड्स एक एसेंशियल कमोडिटी माना गया है, और इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट सीड मार्केट है वर्ल्ड में। ये सीड इंडस्ट्री की ख़ास बात है। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं सीड इंडस्ट्री की, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं इंडिया में जो फार्मर्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी लो होती है, जो हार्वेस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। दूसरी बात यह है कि वो ये सीड्स जो हैं वो वल्नरेबल सीड्स होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं पेस्ट से या प्लांट डिजीजेस से। तो फार्मर्स जो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते हैं उसके लिए उन्हें बहुत ही हैवी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है।
ये एक ड्रॉबैक है, ये एक प्रॉब्लम है इंडियन सीड इंडस्ट्री की। और एक और प्रॉब्लम ये है टर्मिनेटर सीड्स की। टर्मिनेटर सीड्स वो होते हैं जो एक ही बार यूज़ हो सकते हैं। फार्मर्स अगर कोई सीड हाइब्रिड सीड खरीद रहा है किसी कंपनी से और उससे वो कोई हार्वेस्ट करता है, कोई अनाज पैदा करता है, तो अगली बार उस अनाज से में जो वो सीड डेवलप होंगे उनको वो यूज़ नहीं कर सकता है। तो इन्हें ही कहता है टर्मिनेटर सीड। अगली बार उसे फिर से नए सीड्स खरीदने हैं उसी कंपनी से, तो ये एक फार्मर के लिए लॉस होता है। ये कंपनी इसीलिए करती हैं जिससे कि वो सीड्स डेवलप ना हो सकें दोबारा और उनका उनका बिजनेस चलता रहे। अगला है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं वो इकोसिस्टम के लिए रिस्क पैदा कर सकते हैं, जीन्स में परिवर्तन ला सकते हैं, जो नेचुरल फ्लो है जीन्स का उसे रोक सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है सीड इंडस्ट्री की। अगला जो एक प्रॉब्लम है सीड इंडस्ट्री में इंडिया में, वो सर्टिफिकेशन का है। जो भी सीड्स हैं उनका सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, तो जो इंडिया में लगभग 50% से ज़्यादा सीड्स जो यूज़ हो रहे हैं उन वो सर्टिफाइड सीड्स नहीं हैं, वो पुअर क्वालिटी के सीड्स हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और सीड्स की अवेलेबिलिटी भी अपने आप में इंडिया में एक प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं सीड इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसको सॉल्व करने के लिए ये बिल लाया गया, जिसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है। और इससे रिगार्डिंग जो भी पब्लिक ओपिनियंस है उनको देखा जाएगा, उसके बाद इस ये बिल जो है आगे चल के कानून बनेगा। तो सीड इंडस्ट्री के बारे में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू।